space summoned. ये बैग बनाने के लिए हमें 30 इंच बाय 30 इंच का एक क्विल्टेड पीस लेना है। इसके अंदर मैंने रबर शीट और बाहर अस्तर के लिए कपड़ा यूज़ किया है और चारों साइड से मैंने सिलाई करके अटैच किया है। ये 5 इंच का है, उसके ऊपर 10 इंच 5 इंच और 10 इंच ऐसा हमें मार्क करके लेना है और नीचे हमें 10 10 10 का 3 मार्क करके लेना है और उसके मेजरमेंट से हमें एक अस्तर का पीस कट करना है। ₹33 की एक जीप और 2 रनर, इतना मटेरियल हमें बैग के लिए लगेगा। मैंने ये पेपर पे ड्रॉ किया है। 30 इंच बाय 30 इंच का एक स्क्वायर लेना है और इसके ऊपर हमें 5 इंच 10 इंच 5 इंच और 10 इंच का मार्क करना है। नीचे में 10 10 10 इंच पे मार्क करना है और साइड में 5 5 इंच पे। मेरे एक प्रीवियस वीडियो में कमेंट थी कि उनको रबर शीट देखना था। ये 2.5 mm का रबर शीट है। अभी हमें ये 10 इंच का मार्क है वो ऊपर के 10 इंच के मार्क के साथ हमें मिलाना है और उसके ऊपर हमें सिलाई करना है। वैसे ही हमें दूसरे साइड में करना है। ये होने के बाद हमें ऊपर 5 इंच का जो मार्क है उसके ऊपर ये 5 इंच का मार्क रख के हमें उसके ऊपर सिलाई करना है। वैसे हमें दूसरे साइड में भी करना है। ये 5 इंच का सिलाई होने के बाद हमें बैग को टर्न करना है, बाहर की साइड लाना है। अभी हमें 33 इंच का जो ज़िपर लिया था वो हमें लेना है और वो ज़िपर को हमें सेपरेट करना है। ऊपर की साइड हमें ज़िप अटैच करनी है, हमें थोड़ी ज़िप एक्स्ट्रा छोड़नी है और हम दूसरी साइड में भी ज़िप एक्स्ट्रा छोड़ेंगे। ऊपर की जिप अटैच होने के बाद हमें दूसरी साइड लेना है जिप की और नीचे की साइड में हमें तीनों साइड से जिप अटैच करके लेना है। जिप के कॉर्नर्स में हमें थोड़ी एक्स्ट्रा जिप छोड़नी है और बीच में थोड़ी स्पेस भी छोड़ना है। अभी हमें जो लाइनिंग का पीस लिया था वो हमें लेना है और फैब्रिक जैसा ही हमें अटैच करके लेना है दोनों साइड से। ये लाइनिंग के ऊपर सिलाई होने के बाद हमें ये फैब्रिक लेना है। अभी इसमें हम रनर डालेंगे।
हमें ज़िप को उल्टा करना है। पहले हम एक्स्ट्रा जो ज़िप है वो हम कट करेंगे। अभी हमें जो ज़िप लगाई है हमें ज़िप को उल्टा करना है, जैसे हम रनर डाल सकें वो साइड में हमें ज़िप को करना है। पहले हम देखेंगे जो ज़िप एक्स्ट्रा है वो हम कट करेंगे। कट करने के बाद हमें ज़िप को सीधी साइड लेना है और उसके अंदर हमें रनर डालना है। रनर डालने के बाद हमें जो स्पेस छोड़ी थी हमने दो जिप के बीच में, वो बीच में से हमें रनर को बाहर निकालना है और बाद में रनर खींचना है। ऐसे ही हमें रनर दूसरी साइड में लेके जाना है और दूसरी साइड में हमें दूसरा रनर डालना है। जो एक्स्ट्रा जिप है वो हमें पहले कट करना है। ये रनर डालने के बाद हमें जो ये साइड से अंदर डाला वैसे हमें ये दूसरी साइड से हमें जिप को अंदर डालना है। ये जिप दोनों साइड से अंदर है। अभी हमें ये लाइनिंग का पीस जो बनाया था वो हमें लेना है। उसकी सीधी साइड अंदर की तरफ है और उल्टी साइड बाहर की तरफ। अभी हमें जो ये बैग बनाई थी उसकी सीधी साइड ये लाइनिंग के अंदर हमें डालना है। और उसके जो कॉर्नर्स हैं वो रनर हमें नीचे की तरफ रख के कॉर्नर के ऊपर हमें पिन लगा के लेनी है पहले, और बाद में हम सिलाई करेंगे। सिलाई करते समय हमें ध्यान रखना है कि रनर बीच में ना आए। वैसे हमें दूसरी साइड में पिन लगाना है। ये साइड से हमने जैसे पिन से अटैच करके लिया है वैसे ही हमें रनर को नीचे की तरफ रखना है और लाइनिंग को बैक के साथ पिन से अटैच करना है। ये पिन से अटैच होने के बाद हमें बैग पूरी बैग में पिन से अटैच करके लेना है। सेंटर में हम 3-4 इंच की गैप छोड़ेंगे और बाकी सिलाई करेंगे। ये पिन से अटैच किया है। फ्रंट साइड में 4 इंच का गैप छोड़ा है। चारों साइड से हमने सिलाई करके ली है। फ्रंट साइड में थोड़ा सा 3-4 इंच का गैप छोड़ा है। अभी हमें जो एक्स्ट्रा जीप है वो हम कट करेंगे। ये जो स्पेस छोड़ा था वो स्पेस से हमें बैग को बाहर निकालना है।
अभी हमें जो स्पेस छोड़ी थी वहाँ पे हमें एक फोल्ड करना है और पूरे बैग में प्रेस्टिज करना है। इसी तरह से हमें प्रेस्टिज करना है। ये हमारी बैग कंप्लीट हो गई, हैंकरचीफ ऑर्गेनाइजर किट। आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। हमारे नए नए वीडियोस के अपडेट्स के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।